Indian Army, Zindabad. 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 Bharat Mata Ki Jai. Bharat Mata Ki Jai. Bharat Mata Ki Jai. Indian Army, Zindabad. Indian Army, Zindabad. Indian Air Force, Zindabad. Indian Air Force, Zindabad. Indian Army, Zindabad. Bharat Mata Ki Jai. Bharat Mata Ki Jai. जय भारत। जो कल रात को 3:30 बजे एक एयर अटैक हुआ पाकिस्तान के ऊपर, पुलवामा में जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, ये उसका एक बदला था। जो हमारी फौज के हाथ बंधे हुए थे कई सालों से, मोदी जी ने एक बार हाथ खोलने की बात क्या कही, हमारी फौज तो अंदर घुस के मारना शुरू होगी। एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई जिसमें हमारी इंडियन आर्मी ने अंदर घुस के पाकिस्तान को बता दी उसकी औकात, और दूसरा एयरफोर्स ने। हम किसी भी तरह से पाकिस्तान से आगे हैं ये हमें साबित करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी फोर्सेस बताती हैं कि हम हिंदुस्तानी कितना मादा रखते हैं, कितना कुछ बर्दाश्त करते आए हैं। आइंदा से पाकिस्तान को ये फौज की तरफ से भी वार्निंग है और हिंदुस्तान के यूथ की तरफ से भी वार्निंग है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ईंट का जवाब ईंट से अब आपको मिलता ही रहेगा, गोली का जवाब गोली से। और सबसे बड़ी हमें यहाँ पे बहुत खुशी हुई कि हमारी एयरफोर्स ने जो हमारे शहीद हुए थे जवान, उनके घर वालों को भी खुशी मिली होगी इस मौके में कि भाई जो लोग मिलिटेंसी के गढ़ बना के बैठे हुए थे हमारे बॉर्डर लाइन पे, आज उनको हम ये कह सकते हैं कि वो एकदम तबाह हो चुके हैं। उनके 300 मिलिटेंट जो यहाँ पे वादी में जो कहर मचाने के लिए बैठे थे, आज वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, ऊपर वाले को प्यारे हो गए हैं, दोबारा वो मिलिटेंसी का नाम तक नहीं लेंगे। और ऐसी चेतावनी हम पाकिस्तान को दे रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि दोबारा इस हिंदुस्तान के ऊपर नज़र ना रखें। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हो कि जैसे ही रात को 3:30 बजे जेट विमानों ने, मिराज विमानों ने यहाँ जो बालाकोट सेक्टर में जो उन्होंने एयर स्ट्राइक की हैं, उसके बाद से तमाम जो हमारा पुंछ का बॉर्डर एरिया है वो सारा हिला हुआ। पूरी रात ये जो मिराज की जो आवाज़ें थी वो हम सुन रहे थे, और सुबह जाके ये आवाज़ें कम हुई। और उसके बाद जैसे ही हमने टीवी में न्यूज़ देखी कि आज हमारी जो इंडियन एयरफोर्स ने अपना जो पुलवामा में शहीद हुए हमारे 40 जवान, उनका बदला भरपूर तरीके से ले लिया है। और जैश ए मोहम्मद के जो कैंप थे बालाकोट सेक्टर में, वो उनको नेस्ता नबूद कर दिया है। ये नेस्ता नबूद करने के लिए जो आर्मी ने स्ट्राइक्स की है, हम इनका भरपूर समर्थन करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे जो आर्मी है, हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं, हमारी जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, आइंदा भी ऐसे अटैक करती रहे ताकि ये जो पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश है, इसका नामो निशान इस देश के, इस मुल्क के, इस दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद।